तुम और मैं कभी बीवी और शौहर थे, फिर तुम माँ बन गई और मैं बाप बन के रह गया। तुमने घर का निजाम संभाला और मैंने माश का, और फिर तुम घर संभालने वाली माँ बन गई और मैं कमाने वाला बाप बनकर रह गया। बच्चों को चोट लगी तो तुमने प्यार किया और मैंने समझाया। तुम मोहब्बत करने वाली माँ बन गई और मैं सिर्फ समझाने वाला बाप ही रह गया। बच्चों ने गलतियां की तो तुम उनकी हिमायत करके समझदार माँ बन गई और मैं न समझने वाला बाप बन के रह गया। बाबा नाराज होंगे ये कहकर तुम अपने बच्चों की दोस्त बन गई और मैं गुस्सा करने वाला बाप बन के रह गया। तुम सारा दिन बच्चों से राज और नियाज करते हुए अपना मुस्तकबिल महफूज बनाते हुए बच्चों के जहनों में घर करती चली गई, और मैं फकत घर का मुस्तकबिल बनाने के लिए अपना आज बर्बाद करता चला गया। तुम्हारी आंसुओं में माँ का प्यार नजर आने लगा और मैं बच्चों की आंखों में फकत बेरहम बाप बन के रह गया। तुम चांद की चांदनी बनती चली गई और पता नहीं कब मैं सूरज की तरह आग उगलता बाप बनकर रह गया। तुम एक रहम दिल और शफीक माँ बनती गई और मैं तुम सब लोगों की जिंदगी का बोझ उठाने वाला सिर्फ एक बाप बनकर रह गया। बहुत कम ऐसी माएं मिलेंगी जो अपने बच्चों के सामने उनके बाप का मकाम बालनत करके रखती हैं, जो बच्चों को ये बताती हैं कि कैसे उनका बाप अपना हिस्सा अपने बच्चों को देकर खुद भूखा रह जाता है, कैसे एक बाप सारा दिन अपने बच्चों के रिस्क के लिए मारा मारा फिरता है, अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए क्या क्या कुर्बानियां देता है और कैसी कैसी तकालीफ का सामना करता है, किस तरह उनको उनके पैरों पर खड़ा करने के लिए अपने आप को बर्बाद कर लेता है, खुद को खत्म कर लेता है, तब कहीं जाकर बच्चे किसी काबिल बनते हैं। मगर बच्चों को ये बताने और समझाने वाली माएं उनको ये नहीं बता पाती, इसीलिए बच्चे इस वक्त तक इस बात को समझ ही नहीं पाते जब तक वो खुद बाप ना बन जाए, और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है।